हेलो सुपर लर्नर्स, क्या हाल चाल? क्या सुपर पेपर था! मतलब इट वाज लाइक गुड पेपर, राइट? जिसमें थोड़ा इंसान को सोचना भी पड़ेगा एंड पेपर उसे आसान भी था। एंड कितने लोगों को ये एहसास हो चुका है कि भाई कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोले थे, राइट, वो आ गए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, मेंस्ट्रुअल साइकिल एकदम पूरा एक्सप्लेन किया था वीडियो में। एंड देखो, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके अलावा लर्नर्स, आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने ये वाला चार्ट जो कि सोशल हेल्थ से है, याद आ रहा है आप लोगों को? सोशल हेल्थ का ये चार्ट मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम हियर। तो अगर आप 10th में हैं तो दिस इज अ प्रूफ कि आपको पढ़ना चाहिए इस चैनल से। चलिए, बाय द वे, हाय, हाउ आर यू पीपल, कैसे हो? नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज नहीं होगा बेटा, तेरे को कितनी बार बताऊं मैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक आंसर सभी लर्नर्स तक मिल जाए, सभी लर्नर्स को मिल जाए। एंड हम इस पूरे पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न है कि आप मुझे बता दो कि आपका पेपर कैसा गया भाई? हाउ वाज योर पेपर? कैसा गया आप लोगों का पेपर? हाँ हाय नयन, हाय पुष्कर, हाय ज्योति, हाय साहिल, हाय यूनिक, हाय राम, हाय सानिया, हेलो सुधीर, हाय एमएन। जितना पढ़ाया था आया ना, सब काम आया, बिल्कुल सही। चलो कोई बात नहीं, तो अभी जरा पेपर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है? एंड अगर हम देखें तो ये तो जरूरी कुछ सूचनाएं हैं, और इस सूचनाओं के परे अगर हम जाए तो जो पहला क्वेश्चन हमें दिखता है, इत्तेफाक से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ही काफी कमियां हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ह्यूमन हैंड दिया है ना, ह्यूमन हैंड इज नॉट, यहाँ पे नॉट शायद इन लोगों ने लिखना भूल गए मुझे ऐसा लगता है। तो इसके मार्क्स आपको फुकट के मिलने वाले हैं, आपने अगर अटेंड कर दिया होगा इनमें से कोई भी, तो हैंड लिखा होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अगर आपने अपेंडिक्स, ईयर मसल या फिर टेल बोन अगर अटेंड किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले पन्ने पे जहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में जिक्र हुई है ऑन पेज नंबर 5, तो हमें देखने को मिलता है ईयर मसल है, विजडम टीथ है, अपेंडिक्स है एंड कॉकिक्स, जिसको टेल बोन बोलते हैं। तो दिस आर ऑल दिस रिक्वायर्ड थिंग। अच्छा, फटक से एवरीवन हिट द लाइक बटन कि ये जो वीडियो है यूट्यूब की गहराइयों में डूब ना जाए और ये बाकी भी लर्नर्स तक पहुंचे जो अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और उनको एनालिसिस मिल सके। जस्ट हिट द लाइक बटन, इट्स अ रिक्वेस्ट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन, ठीक है? वाओ, लेट्स सी, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन का ये तीनों सही आंसर है। वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, तो इसका ये भी सही जवाब है, ये भी सही जवाब है, ये भी सही जवाब है। आप लोगों ने क्या लिखा है जरा चैट में बता दो। हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन। मास्टर, आप लोगों ने क्या लिखा बताओ मुझे। गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, फ्रेगमेंटेशन असेक्सुअल होता है, ठीक है? रीजनरेशन भी असेक्सुअल होता है, गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल होता है। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, मुझे याद है, मुझे याद है कि जब मैं सेशन ले रहा था तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से ये वाला फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन किया था, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, बडिंग। तो भाई दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल समझाया गया था। अगला देखो, क्या है? द अपेक्स कंज्यूमर एज, कि अपेक्स कंज्यूमर कौन है? तो ऑफकोर्स ईगल है, फ्रॉग नहीं है, स्नेक नहीं है, ग्रास ऊपर नहीं है। तो अपेक्स कंज्यूमर मतलब टॉप कंज्यूमर होता है, ठीक है? अपेक्स कंज्यूमर मतलब होता है टॉप कंज्यूमर। और ये यहां से ये क्वेश्चन है, अगर हम देखने जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ठीक है? इस जगह से है ये क्वेश्चन, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिखा के समझाया था। जितने भी बच्चे मेरे सेशन में थे ना, उनको दिखा दिखा के ये बात बताया था, अपेक्स कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा, सिमिलरली इसी तरीके से आपकी सोशल स्टडी में नीलिमा मैम आपका सेशन लेने वाली है, डेली सेशन होने वाला है। तो मेक श्योर करो कि आप उस सेशन को अटेंड करोगे। एवरीवन, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करे जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आने के चांसेस होंगे, ठीक है? बिकॉज टीचर्स को पता होता है, टीचर्स पूरे साल जब पढ़ाते हैं तो। ओके, मेक श्योर करना कि आप एक भी सेशन मिस ना करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम इज, ठीक है?
तो अब यहां पे अगर आप आ जाइएगा इधर इस वाले पेज पे, आपको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, साइंस वन के पेपर में मैंने बोला था कि बेटा ऐसे जो चार्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे जो चार्ट होते हैं उस चार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कितने लोगों ने बात को माना, कितने लोगों ने नहीं माना, मुझे नहीं पता, बट देखो यहाँ पे चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया। आई विल शो यू द चार्ट, आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो यहां से क्वेश्चन है, यहां पे आपके बुक में लिखा हुआ है कोयना डैम, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे कोयना डैम जो कि महाराष्ट्र में है कहीं पे, उसमें 1960 मेगावाट, दिस इज द कैपेसिटी, और ये इसका आंसर है। भाई बताया था, हमेशा बताता हूं कि डायग्राम, अगर बुक में कोई फोटो दिया है, अगर बुक में कोई चार्ट दिया है, तो बुक को भरने के लिए नहीं दिया है, एग्जाम में पूछने के लिए दिया है। बेटा समझ में आ गया बेटा, चलो इसी बात पे हिट द लाइक बटन। अगला क्वेश्चन है, एनिमल विथ बाइलेटरली सिमेट्री, ऑफ कोर्स स्टारफिश रेडियली सिमेट्री है, पैरामेशियम असिमेट्रिकल है, अमीबा असिमेट्रिकल है, द राइट आंसर इज ह्यूमनवा, द राइट आंसर इज ह्यूमनवा। और इसका बहुत सिंपल है, मैं कहता हूं ना कि अगर किताब में कोई फोटो दिया हुआ है, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए परम आवश्यक चीज होता है। लाइक आई विल शो यू शो यू शो यू शो यू, किधर गया, किधर गया रे, इधर ही होगा, किधर, ठीक है, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री। अब अगर हम बॉडी सिमेट्री में जाते हैं, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है बना हुआ, ये देखो बॉडी सिमेट्री में अगर हम जाते हैं, तो यहां पे हमें बाइलेटरली सिमेट्री दिखता है, जिसमें एग्जांपल में ह्यूमंस लिखा हुआ है। देखो किताब में से बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, कहा था ना, अब समझ आ रहा है। ऐसे लोगों के चैनल को देखना ही बंद कर दो, चलो तो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं तुम्हारा, तो दो ही पेपर बाकी रह गया, पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तुम्हें अगर कोई सेल्फ स्टडी करने का समय देता है, तो तुम्हें लगता है ये तो हमारी क्योरी नहीं करता है फिर एग्जाम में ऐसा हो जाता है बेटा, एग्जाम में ऐसा हो जाता है, मार्क कर करके दिया जाता है कि ये पढ़ना ये पढ़ना, जो हमसे पढ़ते हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और टीचर है जो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, एक्चुअली जिन्होंने पहले पढ़ाया है, मार्क कर करके देते हैं कि ये पढ़ना, बाकी सब पढ़ना, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे पढ़ना, इसलिए नहीं लेते हैं ओके okay? तो देखो 5 नंबर वो आ गए जो बताया हुआ था, सबसे पहले 5 नंबर तो वो आ गए जो बताया हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ ऑल, टेकिंग सेल्फी ऑन अ रोड इज अ इनविटेशन टू एक्सीडेंट। बिल्कुल सही, ट्रू बात है, एकदम सही बात है। अरे बेटा बताया था ना सोशल हेल्थ से ये क्वेश्चंस, बताया तुम्हें, जब आप मेरे सेशन देख लेना ईवीएस वाला, जब आप मेरा ईवीएस वाला सेशन देखोगे, तो उसमें बहुत गहराई के साथ ये बात बताई गई है। 11th फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, मेक श्योर करो। अभी दिखाता हूं मैं आपको सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ में मैं देखो यहां पे मार्क करके दिया था, देखो ये, देखो कि ये वाली चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, देखो पहले ही मार्क किया हुआ है मैंने, मार्क करके दिया था बच्चों को कि ये वाली चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ये वाली चीज को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा बताया था। इसके अलावा बच्चों को बोला था कि ये वाला चार्ट पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। भाई ये चार्ट आया 5 नंबर का, ठीक है, 5 नंबर का चार्ट है। चलो यहाँ पे देखते हैं, फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर ट्रू है, राइट द कोरिलेशन, करेक्ट द कोरिलेशन, ठीक है। यहाँ पे है इंसुलिन का अगर आंसर है बेटा डायबिटीज, तो इंटरफेरॉन कैंसर या फिर कोई भी और वायरल डिसीज, अगर आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, इसका भी जवाब दिखेगा, लेकिन हम ज्यादा बेटर होगा अगर हम वायरल डिसीज लिखेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वायरल डिसीज, ठीक है, टेक्स्ट बुक में वायरल डिसीज लिखा हुआ है, तो हम वायरल डिसीज के साथ जाएंगे। नहीं, मार्क्स कट जाएगी अगर टीचर नोटिस कर लेगा तो, प्रगति जी, ठीक है। फिर यहाँ पे टू विच क्लास डज बैट बिलोंग, बैट क्या है, मैमल है, बहुत सिंपल है ना, बैट क्या होता है भाई, मैमल होता है। हिट द लाइक बटन बच्चों, 400 लाइक्स, 400 लाइक्स कर दो फट से हिट करके। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द करेक्ट पेयर, क्या बोला, मैच द करेक्ट पेयर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, बेटा एक एक एक्ट पढ़ाया था जब पढ़ा रहा था ना, तो एक एक एक्ट पढ़ाया था, और उसी में 1980 का ये एक्ट है, और ये आपको टेक्स्ट बुक में देखो बहुत जरूरी है कि आप अपने जूनियर्स को गाइड करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कहां पे लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम यहां पे आ जाएंगे, तो ये देखो मैंने ये वाला पूरा तो मैं पढ़ाया था, ये वाला, ये पेज मैंने क्वेश्चन भी पूछा था बच्चों से, ये तीनों पे, और मैंने बोला था कि बिल्कुल पढ़ के जाना एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है, और ये देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यहां पे पूछा, देख लिया देख लिया, मानो या ना मानो, ठीक है, सोशल स्टडी में अभी भी चांस है ओके। तो 1980 इज द राइट आंसर, ठीक
ठीक है। अगला देखो यहां पे क्या क्या सिंपल क्वेश्चन है। एक बात तुम्हें याद है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम्हें सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन मैंने जितनी बार बच्चों को पढ़ाया मैंने उनको ये बात बोला कि वेस्टिजियल ऑर्गन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। वेस्टिजियल ऑर्गन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में वेस्टिजियल ऑर्गन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम बोला है, जिन्होंने भी मुझसे पढ़ाया, अगर मेरी बात याद आ रही है, जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा उनको मेरी बात याद आ रही है। देखो क्वेश्चन पेपर देखो, पहला क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। पहला क्वेश्चन वेस्टिजियल ऑर्गन, पहला क्वेश्चन वेस्टिजियल ऑर्गन। अच्छा इधर देखो, फिर देखो ये डायग्राम क्या है भाई, विजडम टीथ वेस्टिजियल ऑर्गन। मैंने बोला था कि फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, मानो ना मानो अब तुम्हारे ऊपर है बाकी, राइट। मानो ना मानो फैसला तुम्हें करना है। ओके चलो, तो यहां पे विजडम टीथ इज द राइट आंसर, टूथ भी लिखा होगा तो चलेगा, मिल सकता है, मिलिंग मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा। आगे चलते हैं, गिव साइंटिफिक रीजन एनी टू, टूथ भी चलेगा, विजडम टूथ भी चलेगा, टूथ भी चलेगा, ठीक है। अच्छा अब बेटा सोशल स्टडी की बारी है। समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तुम लिख सकते हो ना यार, तुम लिख सकते हो ना ये, समटाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो परफॉर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर तुमने इधर वाला ये वाला पार्ट अगर पढ़ा होगा, कहां गया जादू, ये रहा इधर है, इधर देखो क्या पेज नंबर के साथ याद होता है, धीरे धीरे पहुंची जाते हैं वहां पे, इधर देखो इधर ठीक है। एनर्जी, बार बार ये गड़बड़ हो रहा है, ये गलत बात है, ये रहा। यहां पे देखो, अगर आप यहां पे पढ़िएगा ना, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसी पार्ट में आपको देखने को, तो क्या होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि पानी जो पेड़ है वो सबमर्ज्ड हो जाता है, राइट, तो उस केस में वो क्या करता है, या फिर वहां पे ऑक्सीजन की कमी है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। सिंपल है, आप इसका आंसर देख लेना, डाइजेस्ट वगैरह में डिटेल में दिख जाएगा, ठीक है। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपका साइंटिफिक रीजन है, ये बताया गया था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था। हाँ चलेगा वायरल डिसीज। अगला वाला देखो, इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, यस एब्सोल्युटली नेसेसरी है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो धूम धमाका हो सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको कंट्रोल किया जाए। सेम उसके आगे जो भी रीजन है प्लीज देख लेना, डाइजेस्ट वगैरह में मेंशन होगा डिटेल में, और आपने भी अपने हिसाब से लिखा होगा। फ्लावर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम होता है। फिर एंड्रोशियम पे कुछ पार्ट्स होते हैं, फिर गाइनोशियम पे कुछ पार्ट होते हैं, और उसी के कारण तो पॉलिनेशन होता है और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर नया पेड़, ठीक है, फ्रूट एंड व्हाटएवर जो भी है, तो वो सब तुम लिख सकते हो इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। मैंने क्या बोला था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंट ये शब्द जहां जहां आया है उसको छोड़ना है, ऑन प्राइवेट, तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट पूछ लिया, फिर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे एक नोट लिखना है, तो इधर तो आप अपने दिल से भी लिख सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि हमारे बाप की जागीर नहीं है, हमने लीज पे लिया है, वो वाले से भी एक्सप्लेन कर सकते थे जो मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। आप लिख सकते हो कि इट्स वेरी नेसेसरी, वरना हमारे लिए कुछ रहेगा नहीं, राइट। तो अलग अलग, ये कितने मार्क का था, ये आपका था एनी थ्री 2 मार्क्स का, तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख देते तो भी आपका काम हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, बेटा मजाक से हटके अगर दिखाऊंगा ना, मजाक से अगर हटके तुम्हें दिखाऊं ना, तो तुम्हें मैं दिखा देता हूं कि ये चैप्टर पे ना कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन है, अरे ये तो एनिमल क्लासिफिकेशन में था ना, पूरी तरीके से कराया था, पूरी तरीके से बोला था कि एक भी डिस्टिंग्विश बिटवीन छोड़ के मत जाना, मेरे शब्द क्या थे याद है तुम्हें, एक भी डिस्टिंग्विश बिटवीन छोड़ के मत जाना, इधर देखो। और टेलीग्राम पे सबूत के लिए ना, सबूत के लिए बोलूंगा कि टेलीग्राम पे जाके ना नोट्स चेक कर लेना, टेलीग्राम पे जाके, ये सोशल हेल्थ खुल गया, ये भी दिखाना ही है वैसे तुम लोगों को, ठीक है, टेलीग्राम पे ना बेटा जाके नोट्स चेक कर लेना एक बार, ये सेम नोट्स थे, ठीक है, जिसमें बताया गया था कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स, एक एक लाइन समझाया था, एक एक लाइन समझाया था, नोट्स चेक कर लेना बेटा जा करके, समझ रहे हो,
ये सेम नोट्स दिए हैं बच्चों को और एक एक लाइन समझाया था कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का अंतर क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया था आपको लिखना था 4 पॉइंट्स। कुल मिला के अगर आपने 4 पॉइंट्स लिखा होगा तो आपका मजा हो गया, ठीक है। अरे कितनी बार बोलो वायरल डिसीज चलेगा, बार बार वो मत करो प्लीज। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक सर्फेस यूज ऑफ स्टीम सेल, रीजनरेटिव थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्टीम सेल थेरेपी, ऐसा कुछ भी आप लिख देते काम हो जाता। राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, कि डिजास्टर मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव क्या है। एवरीवन हिट द लाइक बटन, आई वांट 400 लाइक्स बच्चों, 400 लाइक्स, ठीक है। और हाँ, सोशल स्टडी का सेशन नीलिमा मैम लेने वाली हैं, यू पीपल मस्ट अटेंड दैट सेशन। आज मेंटी क्विज होगा एनालिसिस के लिए कि आपको कितना आता है। 9 बजे आज मेंटी क्विज होगा और इस सेशन के आधे घंटे बाद नीलिमा मैम आपका पूरा एक स्ट्रेटेजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो मेक श्योर करो कि आप वो सेशन जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आप लिख सकते हो। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल, क्या बेनिफिट्स आप बताओ मुझे जरा ऑब्जेक्टिव, ये वाले इसका आंसर बताओ कि किसने क्या लिखा है। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, फटाफट बताइए। हाँ चलेगा, सेल थेरेपी भी चलेगा, लेकिन स्टीम सेल है ना, चलेगा चलेगा। सुधीर जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है भाई, दो ऑब्जेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट का। फटाफट 400 लाइक्स कर दो भाई के नाम पे, और जितने भी लोग 11th में जाने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, गुड न्यूज इज कमिंग सून। क्या लिखा इसका आंसर, क्या लिखा मास्टर, मराठी मध्ये तर माहित नाही, टू सेव मैक्सिमम लाइफ, बिल्कुल चाहिए 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 चाहिए, बिल्कुल सही, दो ही तो लिखना था, तो एक पॉइंट हो गया। टू सेव मैक्सिमम लाइफ, टू सेव मैक्सिमम लाइफ चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा। और क्या होगा, टू ब्रिंग नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही, फॉर टू ब्रिंग थिंग्स, टू मेक थिंग्स नॉर्मल अगेन, टू मेक थिंग्स नॉर्मल अगेन, ये भी चल सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी पॉइंट चलेगा। इसका बताओ आंसर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल, इथेनॉल को पेट्रोल और डीजल के साथ क्यों मिक्स किया जाता है, क्या इसके कारण है, जल्दी बताइए जल्दी। एक तो हम खुद पेट्रोल प्रोड्यूस नहीं करते, जल्दी बताइए। इसके अलावा क्या होता है, सीओ टू इमिशन रिड्यूस हो जाता है, अवेयरनेस के लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। स्मोकलेस हो जाता है, ये भी सही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम होगा, दिस इज वन ऑफ द रीजन, जैसे पॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। साथ ही साथ ये इंजन को भी ज्यादा समय तक काम करने के लायक रखेगा, कॉस्ट रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये भी एक पॉइंट सही है, रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट करता है। इट बर्न्स कंप्लीटली, बिल्कुल सही है, इट बर्न्स कंप्लीटली, ये भी सही है, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाती है, सही है सही है, बिल्कुल रिड्यूस पॉल्यूशन, ये भी सही है, रिड्यूस पॉल्यूशन, ये भी सही है, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा बच्चों, तो अगला पॉइंट ये है हमारा, ये क्वेश्चन था, मेरे को तो लगता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, क्या लिखना है आपको। राइट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो डार्विन की थ्योरी क्या थी नेचुरल सिलेक्शन की, नेचर सिलेक्शन की थ्योरी क्या थी, द फिटेस्ट सर्वाइव, वही वाला था ना, तो आपको ये चीज लिखना था वहां पे, आपको वहां पे ये वाली चीज लिखनी थी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे है ये रहा, ठीक है, ये लिखना था यहां से, ये वाले पॉइंट्स क्या, कहां गए डार्विन जी। डार्विन सेज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पॉरिफिकली, पहला पॉइंट। दूसरा आपको लिखना था, ठीक है, ऑल द ऑर्गेनिज्म कम्पीट विद ईच अदर इन लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते थे, इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सो मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग, ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते थे। और उसके बाद लिख सकते थे, बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिश। फिर आप ये पॉइंट लिख सकते थे, सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू, ठीक है, देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पीसीज ऑफ देयर करेक्टर्स। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसको बोल सकते हैं। अगर देखो इतना पॉइंट आप लिखोगे तो सफिशियंट था, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ना क्वेश्चन कितने मार्क का है, 3 मार्क का है, ठीक है, दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो मेरा ये सजेशन था
कि 3 मार्क्स के लिए आपको पहले थियरी लिखना था, थियरी में भी मार्क्स मिलने के चांसेस है, बट आपको ऑब्जेक्शंस भी लिखने चाहिए थे। मेरे हिसाब से आपको ऑब्जेक्शंस भी लिखने चाहिए थे। थियरी एंड ऑब्जेक्शन जिसने लिखा है वो सेफ साइड पे है, बाकी अगर आपने थियरी भी लिखा है तो भी आप सेफ साइड पे हो, बट मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप ये वाले ऑब्जेक्शंस भी लिखो। मैं अगर मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्शंस लिखना भी जरूरी थे, ये तीनों ऑब्जेक्शन मैंने बोला था ये पढ़ने के लिए, मैंने ये बोला था पढ़ने के लिए। कितने लोगों ने दोनों लिखा है, 6 पॉइंट लिखा है तो इट इज सफिशियंट, बट कितने लोग ऑब्जेक्शंस भी लिख के आए? अगर आप 6 पॉइंट लिख के आए हो तो इट सफिशियंट, बहुत बढ़िया, हिट द लाइक बटन। लेकिन कितने लोग ये भी लिख के आए, जल्दी लेट मी नो बच्चों। बहुत बढ़िया रूपाली, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक के ये वाले चार्ट से है, ये वाले चार्ट से क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना चार्ट वगैरह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये वाले चार्ट से क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे से पक्का होता है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का ही होता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिल जाएगा फिर भी मिल जाएगा, अगर अच्छी तरीके से डार्विन थ्योरी एक्सप्लेन किया होगा तो पक्का मिल जाएगा, ठीक है। एवरीवन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस सेशन। तो पहला क्या है, मेलानिन एंड केराटिन क्या होता है, स्किन में होता है। देखो यहाँ पे लिखा है मेलानिन एंड केराटिन, इधर देखो, मेलानिन एंड केराटिन स्किन में होता है, तो ये लिख दिया हमने। दूसरा बोला है पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज क्या करता है, यहाँ पे लिखा पैंक्रियाज में इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। फिर हेमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है, तो यहाँ पे देखो ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होता है, तो ये लिख। तो आपको एक मार्क ऐसे 3 मार्क्स तो फालतू मिल रहा है, ये समझ रहे हो क्या मिल रहे हैं आंसर, ये तो फालतू मार्क्स मिल रहे हैं। हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन। फिर देखो राइट क्या है, राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंट। देखो फिर से एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहा है एनवायरमेंट को, भाई पॉल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर, पॉल्यूशन एक प्रकार का फैक्टर है। फिर एक फैक्टर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। एक फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। तो ऐसे आपको 5-6-7 फैक्टर्स लिख देने थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, मेडिकल वेस्ट, ऐसे जो जो चीजें आपको याद आते हैं वो आपको ऐसे 6 पॉइंट्स तो लिखने थे, कम से कम 6 पॉइंट्स तो लिखने थे। स्किन एंड हेयर भी चलेगा, ओल्ड चैनल, बहुत सही। बच्चों 3 लाइक्स बाकी है 300 लाइक्स के लिए, और 103 लाइक्स बाकी है 400 लाइक्स के लिए, और 203 लाइक्स बाकी है 500 लाइक्स के लिए। अब आप बताओ कितने लाइक्स लेके जा रहे हो, 301 तो हो गया, अब फटक से 299 लाइक्स और कर दो, 500 हो जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने गड़बड़ किया होगा, जिन लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ा है साल भर उनके लिए तो ये बहुत ईजी है। मैंने कहा था ना कि डायग्राम लर्न मत करो, एक भी डायग्राम लर्न मत करो, इससे फ्लो चार्ट पढ़ के जाओ, ये मैंने आपको बोला था, प्रोसेस को समझ के जाओ। ये बहुत बार आपको बताया गया था कि डायग्राम लर्न मत करो, कोई भी डायग्राम मत करो, सिंगल 0 डायग्राम करना था। मैंने कहा था कि फ्लो चार्ट पढ़ के जाओ एंड बहुत अच्छे से दोनों फ्लो चार्ट हर एक चीज का, और आप प्रोसेस को समझ के जाओ कि प्रोसेस क्या है, समझ के जाना है कि कुछ भी उठपटांग क्वेश्चन पूछा तो अपने को आंसर मिलने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, बोला गया कि इस फिगर को देखिए और इसके रेफरेंस से पॉइंट बी, ठीक है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर, तो पॉइंट बी सबसे पहले देखो यहाँ पे, और यहां से पानी इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या है, विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी, इस पॉइंट बी को मद्देनजर रखते हुए हाउ मच वाटर रिजर्वायर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर ये पॉइंट बी के पास है तो जितना पानी यहां पे जाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा पानी जो फ्लो हो रहा है यहां से जितना भी पानी फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि ऊपर का पानी भी जाएगा, ये पॉइंट से अगर पानी जाएगा तो ऊपर का पानी नीचे आएगा, तो जितना भी पानी इधर से जा रहा है वो सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया, ए से बी तक का पॉइंट सही है ना, ए से बी तक का जितना पानी है वो यहां से यहां तक जाएगा, वो जो पानी है वो पोटेंशियल एनर्जी उसका किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि नीचे का पानी कहां से जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग द वाटर टू टर्बाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट ए। अगर ये जो चैनल है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये चैनल दिख रहा है आपको यहां से जो पानी को लेके जा रहा है, अगर वो पॉइंट ए से स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा पानी, जो बहुत ज्यादा जो वो है ना वाटर जिसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, नहीं होगा, क्योंकि बाकी नीचे का पानी कैसे जाएगा, ऊपर का तो पानी चला जाएगा लेकिन नीचे का पानी ऊपर कैसे जाएगा, हमें पता है हाई टू लो फ्लो होता है, तो बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे कॉमन सेंस लगा के आंसर दिखना था,
बिल्कुल पास हो जाओगे सानिया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन सेंस लगा के आंसर लिखना था, और इसी बात पे जितने लोगों ने कॉमन सेंस लगाया हिट द लाइक बटन, और एक बार चैट में रेड हर्ट की बारिश हो जाए, चैट में एक बार रेड हर्ट की बारिश हो जाए जितने लोगों ने किया। आई वॉन्ट यू ऑल 400 पीपल टू पोस्ट रेड हर्ट ऑन माई काउंट ऑफ थ्री। तो चलो मैं काउंट करता हूं, 1 2 सेंड 3 फटाक से। ओके चलो बहुत सही, ये भी चलेगा शुभम, ये भी चलेगा, लेकिन नीचे का पानी ऊपर कैसे जाएगा बेटा, नीचे का पानी ऊपर कैसा जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन इफ द चैनल टेकिंग द वाटर टू द टर्बाइन एट पॉइंट सी। अगर पॉइंट सी से स्टार्ट होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर से नीचे पानी आएगा, और बहुत सारा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर से नीचे पानी आएगा और बहुत सारा वाटर जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा, उसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगा एंड ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, ये वाली चीज है। लेकिन शर्त ये है कि ये भी नीचे की तरफ होना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया, हिट द लाइक बटन बच्चा पार्टी। तो यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो ये बहुत सिंपल था, एक एक मार्क के लिए आपको अपनी ओपिनियन देनी थी जो कॉमन सेंस पे बेस्ट था, ठीक है, आपको अपना ओपिनियन देना था जो किस पे बेस्ट था बच्चों, कॉमन सेंस पे बेस्ट था। चलो ठीक है, अगला देखो क्या है कि कॉकरोच, ऑफकोर्स कॉकरोच को काट दोगे तो वापस नया कॉकरोच बन जाता है क्या, नहीं बनता है। स्पैरो, स्पैरो को काट देने से नया स्पैरो बनता है क्या, नहीं, ठीक है। फ्रॉग को काटने से नया फ्रॉग बनता है क्या, नहीं। कॉमन सेंस लगाने से समझ में आता है कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, स्टारफिश, और स्टारफिश के पास ये पावर है भी, तो इसका आंसर क्या है, स्टारफिश। विच कॉकरोच फ्रॉग स्पैरो विच ऑफ दिस एनिमल्स कैन सो रीजनरेट इट्स बॉडी ब्रोकन बॉडी पार्ट। तो आपको आंसर में लिखना था केवल और केवल स्टारफिश, और आपको नंबर मिल जाता। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके 3 मार्क्स दे क्यों रहे हैं, ठीक है, इसके 3 मार्क्स दे क्यों रहे हैं, कैंसर भी चलेगा, ठीक है, इसके 3 मार्क्स दे क्यों रहे हैं भाई एक वर्ड के। ठीक है, मैं 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं, ठीक है, मैं 3 बार ये क्वेश्चन पढ़ चुका हूं, अभी भी बार 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 पढ़ रहा हूं कि मैं, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है पढ़ने में, मैं ये बार बार पढ़ रहा हूं, मैं बार बार पढ़ रहा हूं कसम से। चलो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन कितना एक्सप्लेन करेंगे भाई, कितना एक्सप्लेन करेंगे कुछ लिखा ही नहीं चलो भाई पटक से इसी बात पे हिट द लाइक बटन, फालतू के मार्क्स मिल गया 3 मार्क्स। तो आप जो लोग पूछते हैं ना कि 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना होता है, तो भाई कभी कभी एक वर्ड भी लिखना होता है ऊपर से कॉपी करके ऊपर से कॉपी करके फिर लिख दिया ना, तो भी हो जाता है। एवरीवन स्माइल इन द चैट, जरा फूट फूट के हंसो जरा चैट में कि मजा आ जाए, लगे कि हाँ भाई पेपर आसान था। ओके अब देखो, कंप्लीट द डायग्राम शोइंग वेरियस प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर। तो ये टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है उसमें से आपको डायग्राम कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपको लिखना था। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक बा में अगर यहाँ पे आ जाइएगा, ये देखो भाइयों एवं बहनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन 6, यही चार्ट उठा के डाल दिया। तो समझदार लोगों को समझ में आ गया है कि चार्ट वाट पूछते हैं एग्जाम में। और फिर ये क्वेश्चन है, विच फ्यूल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम बायोमास। बायोमास से कौन सा फ्यूल मिलता है भाई, बायोमास से कौन सा फ्यूल मिलता है, जल्दी बताओ, अरे बताओ बताओ, बायोमास से कौन सा फ्यूल मिलता है, जल्दी फास्टर, बायोमास से कौन सा फ्यूल मिलता है भाई, कॉल कौन कर रहा है, हेलो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, हाँ हाँ चलेगा चलेगा बच्चा, चलेगा कैंसर चलेगा, बता तो रहा हूं, इतना पैसा के ऊपर बात कर रहा है भाई, ठीक है, ओके ग्रेट बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बायोमास से क्या होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लिक्विड फ्यूल होता है, गैसियस फ्यूल होता है। तो अगर सॉलिड की बात करें तो कोल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, डंग, काउ डंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, क्रॉप रेसिड्यू इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, चलेगा ना। अच्छा उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल इज एन एग्जाम्पल,
वेजिटेबल ऑयल एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें अच्छा इसकी तो गोबर गैस इज एन एग्जांपल, गैस वाले में गोबर गैस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, बायोफिल में बायोडीजल, ठीक है, कोल गैस, कोल गैस भी चलेगा, कोल गैस भी एक एग्जांपल है। चलो तो ये सारे अपने एग्जांपल है इस चीज के लिए। फिर देखो बेटा यहां पे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। तो आपको इस क्वेश्चन में ना मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको ऐसे मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, कि सॉलिड फ्यूल, टिम लिक्विड फ्यूल, टिम तो दो एग्जांपल, एक एक एग्जांपल, और गैसियस फ्यूल, गैस फ्यूल, ऐसे करके लिखा होगा तो और ज्यादा चांसेस है कि नंबर मिल जाएंगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। बाकी ऐसे भी लिखोगे तो नंबर तो मिल ही जाएगा क्योंकि तुमने सही किया है। पॉइंट क्या है कि तुमने सही किया है तो नंबर तो ऐसे भी मिलेगा, समझ रहे हो, नंबर तो ऐसे भी मिलेगा। Got it? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनवा। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। तुम मानोगे ये बात कि कहां से पूछा है, कहां से पूछा है? अरे बोल बोल के ना थक गया हूं मैं, ठीक है, मानो या ना मानो बेटा क्वेश्चन तो आ जाता है, यहां से है ये क्वेश्चन। मैंने तुमको कहा था कि एक भी चार्ट छोड़ के मत जाना, मैंने तुमको कहा था, देख लो भाई, बाद में मत कहना कि नहीं बताया, कहां से क्वेश्चन आया है, देख लो, देख लिया, ये पूरा चार्ट है, यहीं से क्वेश्चन है, ये है वो पूरा चार्ट जहां से क्वेश्चन पूछा है, डिट्टो पूरा चार्ट पूछ लिया है। ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग किसके लिए पढ़ रहे थे, हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किसके लिए प्रैक्टिस किया था भाई, ऐसा सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए ऐसा क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने ऐसा क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए प्रैक्टिस किया था और इधर से पूछ लिया, ठीक है। तो बस कोई ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी जवाब दिया जा सकता था इसका। तो देखो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आगे क्या होगा, नंबर होगा, तो इसका आंसर 2005 होगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन ऑफ दिस फोर्सेस वर्किंग इन आर्मी ओवरऑल डैश डिवीजन, तो इसका आंसर तो मैंने एमसीक्यू में प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को, ये भी मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी एमसीक्यू में प्रैक्टिस करवाया था तुम लोगों को, ठीक है, एमसीक्यू में मैंने ये भी प्रैक्टिस करवाया था, ये भी प्रैक्टिस करवाया था, दिल्ली भी प्रैक्टिस करवाया था, ठीक है, बाकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया था सच बताऊं तो दिल्ली तक तो मैंने प्रैक्टिस करवाया था। फिर उसके बाद क्या है कि ओवरऑल कंट्री विद द हेल्प ऑफ आर्मी, ठीक है, ये भी दिमाग लगा के हो जाता। फिर इन महाराष्ट्र नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये भी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यहीं से देख करके कर सकते थे, दिमाग लगाने वाली बात थी भाई। इन एक्शन थ्रू स्टेट रिजर्व रेस्क्यू वर्क इन डिजास्टर लाइक साइक्लोन, निक्सन जी जब 525 लोग एक साथ मुझे मैसेज करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊंगा, सोच के देखो, आप सोचो ना कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात, मेरी मजबूरी समझो, और ये खुशी वाली मजबूरी है, मतलब आई एम हैप्पी विद दिस, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग सोशल स्टडी के लिए याद रखना, नीलिमा मैम सेशन लेने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग याद रख लो सोशल स्टडी, ठीक है, आज 9 PM एक सेशन होगा और आपको 4 बजे के आसपास स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, नीलिमा रॉय मैम बहुत अच्छा करने वाली है, आपको मचा देना सोशल स्टडी में भी, ओके, जिसमें हिस्ट्री होगा फिर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये देखो प्लीज, मैंने आपको कहा था भाई इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नहीं छोड़ना, बताया था ना, चलेगा भाई मंगतन वर्ल्ड, चलेगा, मैंने कहा था ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से पढ़ के जाओ। अब देखो इसमें ना अगर टेक्स्ट बुक की बात करें बेटा, एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना कुछ लोगों ने गलती की होगी, मेरे को इस बात की पूरी गारंटी है कि कुछ लोगों ने गलती की होगी, और वो गलती कहाँ पे होगा मैं ये भी बता देता हूँ। अगर टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखोगे, सेम डायग्राम है टेक्स्ट बुक वाला, तो वो डायग्राम में यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब तक है, चार दिन तक। फिर यहाँ पे लिखा है कि भाई 4 दिन के बाद 5 दिन से लेकर 13 दिन तक क्या है, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। फिर लिखा है कि भाई 14वें दिन तो 14वें दिन ओव्यूलेशन पीरियड होता है। फिर यहां पे नीचे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम, अरे क्वेश्चन कहां से पूछा भाई,
क्वेश्चन कहां से पूछा, ध्यान से देखो क्वेश्चन बेटा पूछ लिया यहां से, ये सब नीचे का क्वेश्चन पूछा है, सब नीचे का क्वेश्चन पूछा है, कमाल है ना, कमाल है। देखो क्वेश्चन पहला क्या था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंसुरेशन, अच्छा 28 टू 30 डेज, देखने से तो 28 डेज भी लिखा है तो भी ठीक है, बट अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़ के गए होंगे तो यहां पे बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि 28 टू 30 डेज, ठीक है। थैंक यू सीमा हक, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच, थैंक यू लिखा, चलेगा बच्चा संध्या वो भी सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। चलो सोशल स्टडी भी आप इधर से स्टडी करना, दैट विल रियली हेल्प यू, बाकी जो सजेस्ट किया जाए वो करो, एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 30 लाइक्स फॉर 500, हिट द लाइक बटन इसी बात पे, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखो विच व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंसुरेशन, 28 डेज भी लिखोगे तो चलेगा, 28 टू 30 डेज भी लिखा होगा तो भी चलेगा क्योंकि 28 आ रहा है। उसके बाद ऑन विच डेज, बाकी डायग्राम में 28 दिया है और आगे 2 दिया है ये समझो, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि कंटिन्यू हो रहा है, वो क्या बोल रहा है कि यहां से कंटिन्यू हो रहा है। फिर बोला है ऑन विच डेज डज ओव्यूलेशन ऑकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओव्यूलेशन 14th डे पे होता है, ये हमने यहीं पे पढ़ लिया था, 14th डे को ओव्यूलेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है, 14वें दिन को। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी पढ़े होगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, इसमें भी लिखा हुआ है, क्या अभी मेरे को दिख नहीं रहा है कहाँ पे लिखा है एग्जैक्टली, हाँ देखो यहाँ पे Meanwhile, a developing oocyte is released. This is called as ovulation. ठीक है, this is called as ovulation. यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर अगला, to which period is said to be period of regeneration of endometrium? तो period of first cycle या फिर 5 to 13, यहाँ पे लिखोगे आप 5 से लेके 13 तक, कहाँ पे लिखा है बुक में भैया, यहाँ पे लिखा है period of regeneration of endometrium, क्या लिखा है, क्या लिखा भाई, यहाँ पे लिखा देखो पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ इंडोमेटेरियम 5 से लेकर के या 4 से लेकर के 13 तक, 5 या 13 लिखना, चलो आपने लिख दिया होगा मैं मान के चलता हूं। फिर यहाँ पे टू विच पीरियड इज सेड टू बी पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन द इंडोमेटेरियम, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन इंडोमेटेरियम, तो इंडोमेटेरियम के जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रेट करने लगते हैं, एंड दैट ऑकर्स फ्रॉम 15 के बाद, ठीक है, एंड 28 तक, पीरियड्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स इन इंडोमेटेरियम, समझ में आया सबको। इसमें काफी सारे लोगों ने गच्चा खाए होंगे मुझे ऐसा लगता है, इसमें बहुत सारे लोग गच्चा खाए होंगे, आई फील दैट, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। हाँ उसके आगे का लिखा है ना तो ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो है, एमएन ने ये भेजा था एंड उसने एक क्वेश्चन डाला ही नहीं, कह रही जो मैंने अटेंड नहीं किया उसका क्या पीडीएफ बना के भेजना भैया। ओके अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये सिंपल क्वेश्चन वा है और मैं तुमको क्या बताऊं, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या मैं क्या बताऊं, मतलब इसका आंसर तो तुम्हें दिखा ही रहा हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूं जो मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए, तब बहुत बहुत ज्यादा ही खुशी होगी एक्चुअली, ठीक है। और वो मेरी खुशी की बात इसलिए है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन, ऐसे तो मैंने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तुमसे प्रैक्टिस करवाए थे, बट ये क्वेश्चन पे मैंने स्पेशल एम्फेसिस दिया था, बोला था करके जाओ। तो देखो यही तुम्हारे क्वेश्चन है, ये तुम्हारे 6 के 6 क्वेश्चन है, देख लो बुक में, कंटिन्यूस कंजप्शन एंड ऑल, यही सेम चार्ट है और ये मैंने तुमसे सॉल्व भी करवाया था, देखो मैंने तुम लोगों से सॉल्व भी करवाया था। पहले का आंसर इसमें क्या है, एडिक्शन है, देख लो यहाँ पे पहले का आंसर क्या है, इसमें एडिक्शन है, ठीक है। दूसरे का फेसबुक है, तीसरे का सिंगिंग, गुड फूड एंड सोशल, ठीक है, देन वी हैव कुकिंग, ये मैंने प्रैक्टिस करवाया था भाई, भाई इज्जत प्रैक्टिस करवाया था, और डिट्टो सेम 5 मार्क का आया, मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो जिसने जिसने ये लिखा उन सबका सही है, तो कितने लोगों ने ये लिखा है जस्ट लेट मी नो इन द चैट, कितने लोगों ने ये लिखा है, कितने लोगों ने लिखा है, चलो मजा आया, गुड। कितने लोगों ने इस चैनल से पढ़ा था, रिकॉर्ड बाद में रिकॉर्डिंग देखा या लाइव देखा और ये का हेल्पफुल था, हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर दोज पीपल जिन्होंने किया था, जस्ट लेट मी नो इन द चैट, जस्ट लेट मी नो इन द चैट।
कितने लोग थे वो? चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अब बच्चों आपके दो पेपर बचे हैं, राइट? दो पेपर बचे हैं, एक पेपर आपका बचा है सोशल स्टडी में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। सुन लो, यहीं पे सुन लो, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। दूसरा आपका बचा है ज्योग्राफी, यही बाकी है। ठीक है, नीलिमा मैम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का आप लोगों को सबसे पहले, सुन लो मेरी बात, एक आईएमपी क्वेश्चन देंगी, आज मिल जाएगा आईएमपी क्वेश्चंस। साथ ही साथ आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताया जाएगा जिससे आपको पढ़ना चाहिए। नीलिमा मैम विल शेयर विथ यू आईएमपी क्वेश्चंस एंड स्ट्रैटेजी। इसकी आएगी रिकॉर्डेड वीडियो, इसकी आ जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो। आपको क्या करना है उसके बाद, आपको चुपचाप से एक्सरसाइज लर्न करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। मान के चलो मेरी बात, एक्सरसाइज लर्न करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत थरली, एक्सरसाइज लर्न करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत थरली करना। आज ही 9 PM को, जस्ट कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, इसके लिए एक मेंटी क्विज लिया जाएगा, जिसमें आपका हिस्ट्री होगा एंड पॉलिटिकल साइंस होगा। आज 9 PM, फिर टुमारो 2 PM को आपका एक सेशन होगा जिसमें आपको बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सुन लीजिए अभी ध्यान से, आईएमपी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। और फिर 9 PM को आपका एक सेशन होगा, इससे ज्यादा सेशन हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम आपका है तो आपको पढ़ना है। इसमें भी हम आपसे आईएमपी क्वेश्चंस करवाएंगे। ये सेम पैटर्न रिपीट होगा दूसरे भी दिन और अगले दिन, और आपका उसके बाद एनालिसिस और सेम पैटर्न रिपीट होता रहेगा ज्योग्राफी तक। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए आपको कम टाइम मिल रहा है, तो डेली 1 आवर ज्योग्राफी पढ़ो। ये मेरा सजेशन हमेशा से है आपको। जिन्होंने जो कर रहे हैं ना, उनको बाद में रियलाइज होगा कि मैंने क्यों बोला था, वर्सेस जो नहीं कर रहे। ठीक है, डेली 1 आवर ज्योग्राफी पढ़ो और इस तरीके से पढ़ते रहो। साथ ही साथ आप में से कितने लोग आगे चल करके, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट, आप में से कितने लोग आगे चल के MHCET इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं और MHHSC में जाकर के साइंस लेने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू? पॉलिटिकल साइंस भी होने वाला है, आइए मैंने आपको बता दिया, मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? कितने लोग HSC में साइंस लेने वाले हैं? दैट इज अ गुड न्यूज बच्चा पार्टी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी विथ यू इन योर 11th स्टैंड। मेजोरिटी लोग आएंगे, शुरू करेंगे, टिकेगा कोई नहीं, लिख के देता हूँ, आसान नहीं होता। आई ट्राई टू बी विथ यू, आई स्टार्ट टेकिंग वन ऑफ द सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होगा फॉर MHTEC, MHCET एज वेल एज HSC, साइंस फुल मचाएंगे। बी विथ दिस चैनल, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, यूट्यूब इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, तो बालको, दिस वॉज योर क्वेश्चन पेपर एंड हियर वी एंड विद द एनालिसिस। और आप लोगों ने बहुत शानदार किया है पेपर, और आप लोगों को बहुत जानदार मार्क्स आने वाला है, आई रियली नो दैट। ठीक है, आप लोगों को बहुत सुंदर मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत भारी मार्क्स मिलेंगे, और आप लोग खुश हो जाओगे। मेरी बस इतनी आशा होगी कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप मेरे साथ वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर जैसे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उस तरीके से आप मेरे साथ वो रिजल्ट शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वंस यू गेट योर रिजल्ट। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जब हम इंटरव्यू करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, तो उसमें भी आने ही वाले हैं एंड फुल मचाने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हिट द लाइक बटन एंड इस सेशन को शेयर कर दो अपने किसी भी दोस्त तक। हम आई थिंक हम पहले होते हैं जो आपका एनालिसिस सेशन करता है। इसके पीछे बस एक ही कारण है, क्योंकि हम साल भर पढ़ाते हैं, तो साल भर जो पढ़ाता है उसको आइडिया होता है कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट रेफर दिस चैनल टू योर जूनियर्स और फुल मचाएंगे। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे, टेक केयर। यस यस, प्रांजल चलेगा, थैंक यू।
अगर वो वहां पे फिट हो रहा है तो मार्क्स मिल जाएगा बच्चा, अगर वो उसमें फिट हो रहा है तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा, वहां पे फिट होना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाना चाहिए, वहां पे फिट होना चाहिए। तो कौन कितना स्कोर करने वाला, लास्ट क्वेश्चन एंड आई विल एंड दिस सेशन, कौन कितना स्कोर करने वाला, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, कौन कितना स्कोर करने वाला है, कौन कितना स्कोर करने वाला है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। कौन कितना स्कोर करने वाला है, गुड, बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी टू सी दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, आई ट्राई माई बेस्ट टू बी विथ यू, नीलिमा मैम तो है ही आपके साथ थ्रू आउट द एग्जाम, ज्योग्राफी के पेपर के एनालिसिस तक नीलिमा मैम आपके साथ है, एंड उसके बाद लेट्स सी क्या करना है, ओके okay? चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, एंड अगले पेपर में भी आग लगा देना है, बचा देना है, हैप्पी लर्निंग, टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो जिनको भी जरूरत है इसकी।